हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। मैंने यहाँ लिया है दिसानों का ओट्स जो बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है और ये ग्लूटेन फ्री है। तो सबसे पहले इसे हम पीस लेंगे, यानी इसका एक पाउडर बना लेंगे। और मैंने ओट्स 1 कप लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से पीस चुका है, तो इसे एक बड़े बोल में निकाल लें। अब इसमें लेंगे 1/2 कप आटा, गेहूं का आटा लें। फिर इसमें आलू डालें, 1 उबला हुआ आलू है बड़ा, जिसको मैंने मसल लिया है। और आप चाहें तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची कुटी हुई, धनिया पत्ता और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मिर्ची और ले सकते हैं, या हरी मिर्ची भी बहुत बारीक काट कर डाल सकते हैं। फिर इन सबको हम मिलाएंगे अच्छी तरह से। इसमें हमने आलू डाला है तो आलू में मॉइस्चर होता है, इसलिए पहले हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद जब आवश्यकता जितनी होगी उतना पानी डालकर एक स्टिफ डो तैयार करेंगे। बिल्कुल पूरी का डो हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही डो तैयार करना है। ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे ताकि जो ओट्स हमारा है अच्छी तरह से फूल जाए। 10 से 15 मिनट के बाद इसे हम दोबारा से थोड़ा गूंथ लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए, ताकि जब हम इसकी पूरियां बनाएं तो ये फटे ना। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जैसा चाहें जिस हिसाब से छोटे बड़े आप बना लें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ये बहुत ही स्पाइसी है, और इसकी मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो आप चाहें तो पूरियों के बजाय पराठा या रोटी भी बना सकते हैं इसे। तो मैंने ऑलरेडी चकला और बेलन में तेल लगा दिया है। अब लोइयों में भी हल्का सा तेल लगाकर इसको मोटी एक छोटी सी पूरी बनाएंगे। बहुत पतला नहीं करना है जैसे नॉर्मल पूरियाँ बेलते हैं, नहीं तो ये फट जाएगी और तेल में जाकर बिल्कुल ये पापड़ी बन जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी मोटी बेल के रखी है, और ऐसे ही सारी पूरियों को आप बेल लें। पूरियां मैंने तैयार कर ली हैं सारी। अब मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखें तेल गर्म होने के लिए, और ये पूरी हेल्दी बन सके इसलिए मैं इसे ऑलिव ऑयल में फ्राई कर रही हूँ ताकि ज़्यादा हेल्दी बनेगी। वैसे आप कोई भी रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं जैसे गेहूं के आटे की पूरी फूलती है, बहुत ही कम फूलेगी क्योंकि ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, और ग्लूटेन जो होता है रोटियों को पूरियों को फुलाने का काम करता है। तो आपकी पूरियाँ नरम नहीं बनने वाली हैं, ये थोड़ी क्रिस्प बनेंगी, तो इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करें। और ये देखिए हमारी पूरियाँ तैयार हो गई हैं। आप पराठे बना सकते हैं, हल्का हल्का तेल लगा कर दोनों तरफ से सेक लें, या रोटी बना सकते हैं। कैसे भी बनाएं ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है। इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर से शामिल करें, और इसे आप चटनी के साथ, केचप के साथ, अचार के साथ सर्व करें, या फिर किसी भी पनीर की सब्जी या आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार होती है और परिवार के सभी लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।